नहीं तो आपका इस तरह से फॉल हो जाता है। एक तो हम दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमें फिर बढ़ना है आपका ये जो टोका बोर्ड है क्या दोस्तों, आपका भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, आप बहुत अच्छी जंप लगाते हो लेकिन दोस्तों आपका एक तो स्पीड ब्रेक हो जाता है, अप्रोच लेते वक्त आपका एक तो स्पीड ब्रेक हो जाता है, नहीं तो आपका इस तरह से फॉल हो जाता है। तो उसको कैसे क्लियर करें, यहाँ पर जब आने के बाद यहाँ पर जब इसको हम रनवे बोलते हैं, यहाँ पर देखो इसको दोस्तों हम रनवे बोलते हैं, यहाँ पर आप रनिंग करके आते हैं और यहाँ पर एक तो आपका स्पीड ब्रेक हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर आपका स्पीड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर एक तो आपका यहाँ पर इस तरह से आपका फॉल हो जाता है, एक तो यहाँ पर ऐसे पैर पड़ जाता है नहीं तो यहाँ पर ऐसे पड़ जाता है। तो उसको कैसे क्लियर करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अप्रोच कैसे सेट करें इसके बारे में दोस्तों आज आपको बताऊंगा और आपकी जंप और जो आपका जो अप्रोच है कभी भी दोस्तों आपका फॉल नहीं होगा, इस तरह से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको जब रनवे सेट करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे पैर रखना है और ध्यान में रखना है दोस्तों आप जिस पैर पर जंप लगाते हो, समझो आप यहाँ पर दोस्तों इस तरह से राइट लेग पर जंप लगाते हो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे आपको रखना है। अगर आप लेफ्ट पैर पर जंप लगाते हो तो वहां पर दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे रखना है। आपका ये जो टेक ऑफ बोर्ड है यहाँ पर दोस्तों आपको टेक ऑफ बोर्ड के थोड़े आगे इस तरह से थोड़ा पीछे इस तरह से यहाँ पर आपको पैर रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सम संख्या में स्टेपिंग लेना है। तो कैसे ले सकते, देखो यहाँ पर दोस्तों हम 12 स्टेप लेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक तो हम 12 लेंगे, एक तो हम 14 लेंगे, नहीं तो दोस्तों आपको एक तो 16 लेने, इस तरह से दोस्तों आपको स्टेप लगानी है तभी आपका दोस्तों अप्रोच सेट होगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से पैर को रखना है और यहाँ से दोस्तों आपको स्टेप लगाने, यहाँ से हम दोस्तों रन करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा था कि हमें 12 स्टेप लेने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दोस्तों 12 स्टेप यहाँ पर आ गई, वहां पर दोस्तों मैंने लेफ्ट पैर रखा था और यहाँ पर भी मेरा लेफ्ट पैर ही आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको पैर को रखना है और दोस्तों चेक करना है आपको यहाँ से जंप जाती है कि नहीं, यहाँ से आपको रनवे सेट होता है कि नहीं, दोस्तों चेक करते हैं यहाँ पर आपका रनवे सेट होता है कि नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐसे हम पैर रखेंगे और यहाँ से दोस्तों हम रन करके जाएंगे और वहां से दोस्तों टेक ऑफ पर देखेंगे कि हमारा उस टेक ऑफ पर पैर आता है कि नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान से देख लो, मेरे जो स्टेप है उसको अच्छे से नाप लो, मेरी 12 स्टेप दोस्तों परफेक्ट टेक ऑफ बोर्ड पर ही आती है, मेरा जो अप्रोच है मेरा जो रन है वो परफेक्ट सेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा जो रनवे है 12 स्टेपिंग पर, यहाँ पर दोस्तों मेरा इस तरह से टेक ऑफ आ गया, आपने अभी देखा होगा दोस्तों मेरा परफेक्ट टेक ऑफ आ गया। तो उसको दोस्तों नापना है कैसे देखो, और दोस्तों आगे हम देखेंगे, समझो आपका पैर यहाँ पर आ गया, समझो आपका यहाँ पर इतना स्टेपिंग लेने के बाद भी आपका यहाँ पर फॉल हो जाता है, तो उसको कैसे क्लियर करें ये भी आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों रनवे कैसे सेट करें, यहाँ पर हमें कैसे नापना है और कैसे फिट रखना है। तो देखो तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो हम दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमें पैर को रखना है, एक फुट हो गया यहाँ पर दोस्तों, दूसरा ऐसा, फिर दोस्तों फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे दोस्तों आपको वहाँ पर 12 स्टेपिंग तक नापना है, जितना आपका फुट होता है उसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और फिर जब भी आप दोस्तों जंप लगाते हो वहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपको फुट को नापना है और आपकी जंप 100% अच्छे से क्लियर होगी और आपका रनवे भी सेटअप होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, देखो तो दोस्तों एक स्टेप हो गया, दूसरी स्टेप हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर दोस्तों हम टेप से नाप सकते हो, अगर टेप से अच्छे से नाप सकोगे तो दोस्तों आपका रनवे 100% अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर कैसे नापना है देखो, यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर टेप लगाने, टेक ऑफ दोस्तों जो साइड का जो भाग है वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपको टेप लगाने, तो दोस्तों इस तरह से आपको नापना है, इस तरह दोस्तों वहाँ पर टेप लगा के दोस्तों आपको इस तरह से नापना है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों मेरा रनवे यहाँ पर दोस्तों 22.90 मीटर यहाँ पर दोस्तों मेरा रनवे सेट हो गया। यहाँ पर दोस्तों मैं ध्यान में रखूंगा इस रनवे को, ध्यान में रखूंगा और दोस्तों जब मैं बाद में रनवे सेट करूंगा तब दोस्तों इस रनवे को सेट अच्छे से होगा और अच्छे से मेरी जंप भी क्लियर होगी और मेरा अप्रोच भी अच्छे से सेट होगा।
इस तरह से हमें अप्रोच लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रनवे लेने से पहले आपको बताया था कि हमें दोस्तों, अगर आपको दोस्तों यहाँ पर ऐसे टेक ऑफ है, वहाँ पर दोस्तों आपका टेक ऑफ है, इस तरह से टेक ऑफ, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका अगर यहाँ पर फुट आ गया, वहाँ पर दोस्तों आपका इस तरह से फुट आ गया, नहीं तो आपका ये तो पीछे आ गया, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पर दोस्तों आपका रनवे सेट हो गया है, यहाँ पर आ गया थोड़ा, तो समझो आपका दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या कितना था, यहाँ पर 22 पाउंड डंबे, यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर 22 पाउंड डंबे था, और आपका दोस्तों समझो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस तरह से फुट आपका वहां पर आता है टेक ऑफ बोर्ड पर, तो आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, हमें यहाँ पर दोस्तों कितना सेंटीमीटर मापना है, यहाँ पर आ गया ये दोस्तों कितना सेंटीमीटर है यहाँ पर हम नापेंगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 90 और 60 के थोड़ा आगे है, यहाँ पर 64 है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना सेंटीमीटर है इस यहाँ पर इसको नापना है दोस्तों, यहाँ पर 20 और 25 25 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसे पीछे लेना है, इस तरह से यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लेने, और यहाँ से दोस्तों हम जंप करेंगे, और यहाँ से आपका टेक ऑफ 100% आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका टेक ऑफ 100% आ जाएगा, और समझो आपका दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका पीछे फुट आ गया वहां पर, तो दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ से आपको आगे लेना है, अगर आपका वहां पर टेक ऑफ यहाँ से पीछे आ गया तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसे आगे लेना है 25 सेंटीमीटर आगे लेना है, और वहां से दोस्तों आपको जंप लगानी है। दोस्तों इस तरह से आपको अप्रोच सेट करना है, रनवे अच्छे से सेट करना है, आपकी जंप 100% इम्प्रूव हो गया। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब हम लॉन्ग जंप के बारे में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें टेक ऑफ किस लेना है, हमें अच्छे से टेक ऑफ किस लेना है, हमें ऊपर किस जाना है, उसके एग्जरसाइज देखेंगे, किस एग्जरसाइज से हम अच्छे से जंप क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।